अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की हमने बात की थी, हमने रिडॉक्स रिएक्शन की बात भी की थी, तो हम आज के लेक्चर में मजीद एग्जाम्पल्स लेंगे इसके मतलब और देखेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया था तो उसकी एग्जैक्ट एग्जाम्पल क्या हो सकती है। तो इसी स्टूडेंट, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारा आज का टारगेट जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की एग्जाम्पल देना है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन को थोड़ा रिकॉल करते हैं। हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन से मुराद होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या है हमारे पास? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी कॉल्ड एज रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इस तरह से डिफाइन किया जाता है। एग्जाम्पल जो हमें यहाँ पर दी गई है एक्सप्लेन करने के लिए, रिएक्शन है बिटवीन जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इससे हमारे पास बनता है ZnCl2 और H2 हमारे पास बनती है। अब आपको याद होगा हमने जब रूल्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि जब भी एटम जीरो फॉर्म में होगा, यानी कि फ्री स्टेट के अंदर होगा, जब कोई एटम ने बॉन्ड नहीं बनाया होगा, तो उस वक्त उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जीरो होगी। आपको याद होगा, ठीक है। एक और चीज हमने पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी कि होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जिन जो कि एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। एक तो ये कि एटम्स इन फ्री स्टेट वो जीरो होते हैं, और दूसरा ये कि होमोटोमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर नॉर्मली शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होती है? जीरो होती है, ठीक है। अब इस पे और इस पे गौर करना है। आपको याद होगा हमने कहा था कि हाइड्रोजन जो है जब नॉन मेटल के साथ अटैच हो तो हमेशा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। इसकी प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहां तक बात की जाए इसकी, तो देखो जिंक जो है ये Zn(Cl2) में कन्वर्ट हो चुका है। जिंक की यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस टू है, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन ही है, और दो क्लोरीन एटम यहाँ पे मौजूद है। अब हम देखेंगे कि इस पूरे रिएक्शन के अंदर कहाँ इलेक्ट्रॉन का रिमूवल है, कहाँ इलेक्ट्रॉन की एडिशन है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि कहाँ हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है, कहाँ पर रिमूवल हो रहा है। उस बेस पे हम डिफाइन करेंगे कि कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोसेस और कौन सा रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। अब गौर करें, जिंक अपना को कन्वर्ट कर रहा है Zn से, यानी जीरो से, जीरो से प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। जिंक अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है जीरो स्टेट से प्लस टू स्टेट के अंदर, जीरो से प्लस टू स्टेट के अंदर, ठीक है। और जीरो से प्लस टू स्टेट का मतलब सिंपली तौर पे क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जीरो से प्लस टू का मतलब क्या हुआ? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये कहलाता है भाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये हमारे पास है ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक हो गया। अच्छा, इस तरीके से अगर आप गौर करें तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आप देखें कि एक तो हमने जिंक की बात की कि जिंक जो है अगर उसकी बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन गेन किसने किए हैं, इलेक्ट्रॉन किसने गेन किए? देखे ना जरा, यहां पर आप देखें कि हाइड्रोजन जो है वो प्लस वन से जीरो में चला गया। देख रहे हैं आप लोग, हाइड्रोजन अपने आप को प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट से जीरो में कन्वर्ट कर रहा है, और आप जानते हैं कि जब भी प्लस वन हो तो वो जीरो कब होगी कि जब उसमें माइनस वन ऐड किया जाए, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाए। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है, इसको कहते हैं रिडक्शन प्रोसेस, ठीक हो गया। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक ही रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रही है। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल जीरो से प्लस टू स्टेट में ले जा रहा है इसको, ये ऑक्सीडेशन है। प्लस वन से जीरो स्टेट में जा रहा है ये हाइड्रोजन एटम, इसको कहते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप करवा रहे हैं, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही रिएक्शन के अंदर हो रही है, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल यहां पर एक्सप्लेन की गई है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू वाटर की फॉर्मेशन है। H2 और O2 को आप मिला रहे हैं और उससे आप बना रहे हैं H2O, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन आप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि होमोटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, तो ये भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब नॉर्मली आप जानते हैं कि जो आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? माइनस टू होती है। यहाँ माइनस टू इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस वन है, और यहाँ दो हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन के मौजूद है, ठीक है। अब अगर आप गौर करें, देखिए जरा, हाइड्रोजन जो है वो जीरो से प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, जीरो से प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है। और इस तरीके से ऑक्सीजन प्लस जीरो से माइनस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ठीक है। अब अगर एक एटम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा हो तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन,
इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे, अगर गौर करें कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है और जीरो से आप माइनस टू में जा रहे हैं, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है ना, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक ही रिएक्शन के अंदर एक एलिमेंट ऑक्सीडेशन करवा रहा है, दूसरा रिडक्शन करवा रहा है। इस प्रोसेस को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन की एग्जांपल है, यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली जो है कि वक्त में हो रही है। मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल्स भी आपको समझ आ चुकी होंगी, क्योंकि हम पहले भी ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन की एग्जाम्पल भी दे चुके हैं, डिफाइन भी कर चुके हैं। तो ये एडिशन था उसके अंदर के एक कॉन्सेप्ट को मजीद और स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए। सो अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।